जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरियों। लाडलो, आज का वीडियो स्पेशली दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को लेकर है, क्योंकि इस समय कई बच्चे हैं जो पूरे चिंतित है दिल्ली पुलिस की कट ऑफ को लेकर कि सर इस बार कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। क्यों, कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके जो अभी फिजिकली कट ऑफ आई थी उससे नंबर कम है, लेकिन उनका फिजिकल लिस्ट में नाम है, तो क्या उनका भी सिलेक्शन हो सकता है और आगे मैक्सिमम कितने नंबर सकते ये कट ऑफ बढ़ सकती है, इसके ऊपर आज का ये हमारा पूरा वीडियो रहने वाला है। वैसे अगर आप दिल्ली पुलिस की फिजिकल की जो कट ऑफ में अगर आपका नाम है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर किया है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल काफी टफ होता है, आसानी से पास नहीं होता है। अभी कुछ आंकड़े भी मैं आपको पिछले फिजिकल के दिखाऊंगा, तो इसलिए अगर आपके नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी ज्यादा आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए ताकि आप नंबर ला सको। लेकिन आज फिर भी मैं आपको उसमें कुछ ऐसे नंबर बताऊंगा जिससे आपको काफी मदद मिलेगी फिजिकल तैयारी करने में, ठीक है लाडलू। देखिए, दिल्ली पुलिस फिजिकल की जो कट ऑफ लिस्ट आई है आपने देख ली होगी सभी ने। अगर हम बात करें साथ ही लाडलू, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से कोई सी भी बुक ले सकते हैं, ये सबसे बेस्ट बुक है। और स्पेशली ओल्ड पेपर की ये जो बुक है ये सबसे बेस्ट बुक है एसएससी जीडी 2023 के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की। तो देखो, दिल्ली पुलिस फिजिकल 2021, जब दिल्ली पुलिस फिजिकल 2021 की लिस्ट आई थी ना, उसकी कट ऑफ से हम इस कट ऑफ का कुछ अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। जब ईडब्ल्यूएस की मेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 51 पे रही थी फिजिकल की कट ऑफ, ठीक है। फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी ईडब्ल्यूएस की, 62 चली गई थी, यानी कितने अंक बच गई थी, 11 अंक। आगे बात करें एससी की भी 51 रही थी फिजिकल की 2021 वाली भर्ती की बात करें, और 57, यानी कितने अंक बढ़ी एससी की, एससी की मात्र 6 अंक बढ़ी थी। अगर एसटी की बात करें तो 55 रही थी और गई 65, कितने अंक बढ़ गई थी फिजिकल के बाद में, 10 अंक बढ़ गई थी। अगर ओबीसी की बात करें तो 58 और फिर कितनी चली गई थी, 68, यानी 10 अंक बढ़ गई थी। जनरल की बात करें तो 61 और फाइनल चली गई थी 72, यानी लगभग 11 अंक पिछली बार फिजिकल से फाइनल मेट बढ़ गई थी, ठीक है। लेकिन पिछली बार की पोस्ट और इस बार की पोस्ट में थोड़ा सा अंतर है, समझ गए बात को। और मेरा ये मानना है कि पिछली बार के जो पेपर और इस बार के पेपर के लेवल में अगर मेरे से पूछा जाए पेस्ट कौन सा था, तो पिछली बार पेपर टफ था, इस बार थोड़ा पेपर का लेवल मुझे कम लगा, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार जो अभी आपने देखा ही होगा जो फिजिकल की इस बार की जो कट ऑफ गई है ना, ये देखो फिजिकल 2021 वाली, अगर पहले हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो लड़कियों में ईडब्ल्यूएस की गई थी 30, फिर बाद में चली गई थी 44, यानी 14 अंक बढ़ गई थी सीधी। एस की गई थी 39 से 45 में मात्र 4 अंक बढ़ी थी। एस टी की 39 से 49 10 अंक बढ़ी थी। ओबीसी की 44 से 53 लगभग 9 अंक बढ़ी थी पिछली बार। और जनरल की 48 से 56 चली गई थी, यानी लगभग 8 अंक बढ़ी थी लड़कियों की मेरिट 2021 वाली भर्ती में, ठीक है। पोस्ट ऑफ वैकेंसी में पिछली बार की बजाय इस बार थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन हाँ कंपटीशन भी ज्यादा हो गया, लोगों ने फॉर्म भी इस बार ज्यादा भरे हैं, तो कंपटीशन भी टफ है, ठीक है। पिछली बार फिजिकल के लिए समय अच्छा मिल गया था, लेकिन फिर भी देखो इस बार जो मेल की कट ऑफ गई है वो गई है 60, ठीक है। तो सर फाइनल कितनी जा सकती है, तो मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस से फाइनल 10 अंक बढ़ के ये 70 तक जा सकती है। अगर हम एससी की बात करें तो 5 से 6 अंक बढ़ सकती है और ये 62 तक जा सकती है फाइनल। अगर हम बात करें एसटी की तो ये 58 है, इसमें आप 8 अंक ऊपर कर सकते हैं, लगभग 66 तक ये जा सकती है। अगर हम बात करें ओबीसी की तो 66 है, यहां से ये जाएगी 74 से 75 तक जा सकती है, पूरे चांस है इसके। जनरल की 65 है और 65 से ये लगभग 75 तक जाएगी जाएगी, 10 अंक तो आराम से उछाल मार लेगी भाई। क्यों, क्योंकि लगभग 12 गुना बच्चों को फिजिकल में बुलाया जाता है, इसलिए ये कट ऑफ काफी कम है नंबरों की। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें फीमेल की तो 68 है ईडब्ल्यूएस की, इस समय 48 है सॉरी, तो 48 से कम ये 9 के आसपास आराम से वृद्धि कर लेगी और 57 के आसपास चली जाएगी। अगर हम बात करें एससी की तो 46 से 50 और 51 के बीच में इसकी रहने के पूरे चांसेस है। आप देख लेना जब आपकी कट ऑफ के आंकड़े आए ना, तभी यहीं के आसपास ये घूमेगी। अगर हम एसटी की बात करें 44, तो 44 से ये जा सकती है 52-53 तक, 9 अंक इसमें भी इजाफा हो सकता है। ओबीसी की बात करें 55 पक्का 65 क्रॉस करेगी लड़कियों की, और जनरल की बात करें 55 तो ये भी आराम से 65 प्लस जाएगी इस बार फाइनल मेट। क्यों जाएगी, इसके पीछे आंकड़े आपको कुछ दिखा देता हूँ। दिल्ली पुलिस फिजिकल भर्ती 2021 वाली में 5,846 पोस्ट थी, ठीक है। इसमें लगभग 67,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था, जिनमें से 21,000-25,000 लड़के और 14,000 लड़कियों ने ही फिजिकल दिया था, ठीक है। 67 में से लगभग 41,000 बच्चे ही पहुंचे थे, इन्होंने ही फिजिकल दिया था। इनमें से जो पास हुए थे वो 9,748 बच्चे फिजिकल पास हुए और लड़कियों में 5,397 लड़कियां ही पास हुई। अब देखो अगर इन दोनों को भी हम मिला लें तो लगभग 15,000 बच्चे
5000 पोस्ट पर 5 गुना यानी 6 गुना यानी 3 गुना के आसपास पास हुए थे, तो इतने आराम से इस बार भी पास हो जाएंगे कि इस बार 12 गुना बुलाए जाएंगे। तो कट ऑफ का ये है, मेरे हिसाब से पिछली बार की जो कट ऑफ रही थी उससे कम तो नहीं बढ़ेगी, उसके बराबर या उससे ऊपर एक दो अंक बढ़ सकती है, लेकिन उससे कम बढ़ने के चांसेस नहीं है। हाँ, हो सकता है कि इस बार एससी या एसटी कैटेगरी में कुछ डिफरेंस देखने को मिले, बाकी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस में तो जंप करेगी ये मेरी। ठीक है लाडू, अब आपके कितने नंबर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।